तो मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आया हूँ इतिहास के पन्नों से। और इसी कड़ी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। यूं तो मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल इंडिया पे हम बहुत कुछ पढ़ना होता है हमें, जैसे कि जो गुप्ता पीरियड होता है, जो गुप्ता अम्पायर होता है, उसके बाद का जितना भी पीरियड है, जैसे हम पोस्ट गुप्ता पीरियड बोलते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड से लेकर जब भारत में ब्रिटिशर्स का एडवेंट होता है यानी कि आगमन होता है अंग्रेजों का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारा जर्नी है इसको हम पढ़ते हैं मेडिवल इंडिया में। और इसकी शुरुआत हम बहुत ही प्यारे से तीन किंगडम के साथ करते हैं। इन तीन किंगडमों का यानी कि इन तीन राजवंशों का नाम है राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास। इन सब की लोकेशन मैं आपको बताऊंगा, इनके राजा बताऊंगा, कौन कौन यहाँ पर रूल करते थे। तो फॉर द टाइम बिंग आप इस वर्ड को जान लीजिए, ये मैं लिख रहा हूँ ट्राइपार्टाइट। ओके, यानी कि तीन पक्ष, और वो तीन पक्ष कौन थे? राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास। इंडियन मैप के थ्रू हम समझेंगे। ये मैंने बना दिया है गुजरात वाला लोकेशन, साउथ इंडिया की हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया के जो है किंगडम्स हुआ करते थे। यूं तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, लेकिन मेन जो है तीन इंपॉर्टेंट किंगडम हम देख रहे हैं, राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास। तो ये हमने जो है बंगाल वाला रीजन बना दिया, ऊपर ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। और उस समय का पाकिस्तान भी आपको मालूम ही है कि अपना हिंदुस्तान हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारा का सारा उस समय का मैं बता रहा हूँ। इधर नेपाल हो गया और ये इधर ऐसे करके ये अपना हो गया इंडिया उस टाइम का, यानी कि सिक्स सेंचुरी एरा के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो करीबन 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी AD तक गुप्ता पीरियड इंडिया में चला था। ये गोल्डन पीरियड कहा जाता था भारत का। उसके बाद के जो राजवंश उभरे भारत में, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमने बना लिया प्यारा सा भारत, इसमें जल्दी से लोकेशन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है कि नर्मदा रिवर बहती है, इसके नीचे तापी रिवर बहती है। यहाँ पर क्या है, नासिक, महाराष्ट्र का नासिक सिटी है, और इधर नीचे कृष्णा नदी बहती है, ठीक है। और यहाँ पर इस का जो है, ये जो मैं पहला किंगडम बता रहा हूँ आपको, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रकूटास की, तो इनका कैपिटल हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं मालखेड़। नीचे इसके बह रही है कृष्णा नदी, ऊपर है गोदावरी नदी, ठीक है, ऊपर यहाँ पे तापी, यहाँ पे नर्मदा। तो ये रीजन हो गया राष्ट्रकूटास का, ओके, जो हमारा पहला किंगडम है हमारी आज की स्टोरी का, यानी कि जो हम मेडिवल इंडिया शुरू कर रहे हैं ना, तो हम यहीं से करते हैं बेसिकली। आप सब भी यहीं से पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ आप सबने पढ़ा ही होगा, यहीं से स्टार्ट किया होगा मेडिवल इंडिया। तो ये आपने लोकेशन जानी राष्ट्रकूटास की। अब देखते हैं पालास लोग कहाँ पर रहते थे। तो अभी का जो सारा का सारा बंगाल और मच ऑफ बिहार वाला लोकेशन है, ठीक है, बंगाल आपको मालूम है उस टाइम पे बांग्लादेश भी जो है अपना पूरा बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, पार्टीशन तो हुआ नहीं था। अभी तो हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं ना, तो इस समय आप ये चीज़ समझिएगा, हमने पाकिस्तान को भी इंडिया में इंक्लूड किया, हमने बांग्लादेश को भी इंडिया में इंक्लूड किया। तो ये वाला जो पर्टिकुलर रीज़न है, यहाँ पर पालास लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? पालास, पालास कहने का मतलब पाल लोग यहाँ पर रहते थे, जिनकी जो कास्ट थी वो पाल थी। जैसे धर्मपाल यहाँ का एक राजा था, बेसिकली राजा वाजा क्या ही होते थे, ये छोटे छोटे गांव होते थे, जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो जैसे हमारे यहाँ गांव का कोई प्रधान होता है तो उसे हम चुनाव करके उसे चुन लेते हैं, अपना गांव का प्रधान मान लेते हैं। तो वैसे यहाँ भी जो है छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, और उसका जो है हेड यानी कि उसका जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बंदा मान लो, उसको अपने राजा का नाम दे दिया, ठीक है।
तो ये हो गए पालास लोग, अब बचे क्या प्रतिहारास। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा, ये जो ट्राइपार्टाइट मैंने नाम दिया, इन तीनों को ट्राइपार्टाइट क्यों कहा जाने लगा। तो उससे पहले जानेंगे प्रतिहारास की लोकेशन। तो यहीं पे जो ये आज हमें उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिलता है, यहां पर ये वाला जो रीजन है, यहां पर प्रतिहारा लोग रहते थे, ठीक है। अब यहीं पर आपको मालूम है कि इधर उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और अपनी जो एक वैली बना के चलती है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीचों बीच से चलती है, वेस्ट बंगाल में एंटर होती है, ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाने लगती है। तो इसी गंगा रिवर वैली के यहाँ पर, ठीक है, एक प्लेस हुआ करता था, काफी फर्टाइल हुआ करता था, ठीक है, काफी प्रॉस्परस हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं कन्नौज। क्या बोलते हैं? कन्नौज। इसी कन्नौज के लिए इन तीनों में आपस में लड़ाई रहती थी, प्रतिहाराज में और राष्ट्रकुटाज में और पालाज में। ये जो मालखेड़ यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये किसकी कैपिटल है? प्रतिहाराज लोग को, सॉरी राष्ट्रकुटाज लोगों की, ठीक है। तो भाई अब जो है आपस में तीनों में हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, किसको लेके? कन्नौज को लेकर। अब ये तीनों आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे और एक पॉलिटिकल पावर गेन करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेस में, क्योंकि ये काफी जो है प्रॉस्पेरस है एग्रीकल्चर के पर्पस से, और उस टाइम पे तो हमारी इतनी इंडस्ट्रीज वगैरह थी नहीं, ठीक है। तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज भी जो है इंडिया, हमारा प्राइमरी जो सेक्टर है हमारे इंडिया का, वो एग्रीकल्चर है, और उस समय भी एग्रीकल्चर ही था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस सिटी कन्नौज वॉज वंस द कैपिटल ऑफ हर्ष। ओके, हर्षवर्धन करके आपने नाम तो सुना होगा। ये जो हर्षा है, ये राजा था पुष्यभूति डायनेस्टी का। आप देख लेना, थोड़ा राइटिंग ऐसी वैसी ही है मेरी। यानी हम कहें कि ये नॉर्दर्न इंडिया का रूलर था, तो ये भी गलत बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसका टाइम पीरियड था 606 से लेके 647, यानी कि हम बात कर रहे हैं 7th century की, ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसी के जस्ट बाद राइज होता है प्रतिहारास, राष्ट्रकुटास, पालास। ओके, ये तीन जो है राजवंश उभर के आते हैं, स्ट्रगल करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस की, प्लेस के लिए, कन्नौज के लिए, जो कभी जो है पुष्यभूति डायनेस्टी का पार्ट हुआ करती थी, यानी कि हर्षवर्धन जो राजा थे यहाँ पर रूल किया करते थे। और इसी प्लेस कन्नौज को कंट्रोल करने के स्ट्रगल में रहते थे ये तीनों की तीन किंगडम, राष्ट्रकुटास, पालास और प्रतिहारास। किसको कंट्रोल करने के चक्कर में रहते थे? कन्नौज को कंट्रोल करने के चक्कर में रहते थे। और इसी स्ट्रगल को बोला जाता है थ्री पार्टीज स्ट्रगल, जिसको हमने नाम दिया ट्राइपार्टाइट। तो अब समझे आप लोग कि ट्राइपार्टाइट मैंने क्यों बोला था, यानी कि इन तीनों पार्टियों का जो स्ट्रगल हो रहा है इस कन्नौज के लिए, तो दैट इज ट्राइपार्टाइट। सो मैं आशा करता हूँ कि इतनी कहानी आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है कहानी में, किस चीज को लेके लड़ाई हो रही है तीनों पार्टीज के बीच में। तो एक एक करके चर्चा करते हैं शॉर्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रकुटास से, यानी कि ये यहाँ पे जो रूलर थे, इसके दो इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रीजन तो आपने देख ही लिया है, ठीक है, लोकेटेड इन नॉर्दर्न दक्कन। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इतना इंडिया का जो पोर्शन है इसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं, प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। अब मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्दर्न दक्कन, यानी कि जो नॉर्थ वाला जो दक्कन पोर्शन है, वहां पर इसकी लोकेशन है, यानी कि इट इज अ रीजन अराउंड नासिक सिटी इन महाराष्ट्र। और बात करें इसकी कैपिटल की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया मालखेड़। इट वॉज नॉट ओनली अ ब्यूटिफुल सिटी बट इट वॉज ऑल्सो अ प्रॉस्पेरस सिटी। ओके, ये जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ अमोघ वर्ष, ये
इस राष्ट्रकूता का एक इम्पोर्टेंट रूलर हुआ करता था। टाइम पीरियड की अगर मैं इसकी बात करूं तो 800 से लेके 878 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड था अमोघ वर्षा का था, जो कि राष्ट्रकूता का एक रूलर हुआ करता था। ही वॉज अ ग्रेट एम्परर ऑफ राष्ट्रकूतास। और फिर एक किंग के बारे में और बात करूं, ध्रुव तारा नहीं, ये ध्रुव राजा है, ठीक है, इसी राष्ट्रकूता का एक आदमी है ये, जो रूल करता है इस राष्ट्रकूता डायनेस्टी को, चलाता है आगे, ठीक है, किंग ध्रुव। तो ये नाम ना आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी जो है मैं बता रहा हूँ राष्ट्रकूता, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, लगभग फिनिश हुआ, ठीक है। अब मैं बताऊंगा प्रतिहारा, फिर मैं बताऊंगा पाला, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोकेशन देख के काफी कुछ समझ सकते हैं, इतने होशियार तो आप हैं। कन्नौज के सबसे ज्यादा पास पे कौन? प्रतिहारास। तो इजीली एक्सेस किसका होगा कन्नौज पर? प्रतिहारास का। तो यानी कि ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया 800 से 878 एडी, इससे पहले ही जो है कन्नौज पर कब्जा कर लिया था किसने? प्रतिहारास ने, ठीक है, क्योंकि इनके लिए इजी था ना, पास पे था, इनका अपना शहर था कन्नौज। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक किंग के बारे में बात करता हूँ प्रतिहारा का, और वो है राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज जो है प्रतिहारा के रूलर हुआ करते थे, और इसको राजा भोज को जो है हराया, डिफीट कर दिया किसने? ये जो मैंने राष्ट्रकूता का जो दूसरा रूलर बताया था आपको, ध्रुव ने। ध्रुव डिफीटेड राजा भोज, ये आप लिख लेना, एक पेन और कॉपी पकड़ के आप लोग बैठे होंगे, मैं इतना आशा करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये मेरी तरह ऐसे यहाँ पे खिचपिच मत कर देना, ये तो मैंने बस आप लोग को समझाने के लिए एक जगह सब मेंशन कर दिया, आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई आपस में संघर्ष तो होना ही है ना, तो राजा भोज और राजा ध्रुव के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें ध्रुव ने राजा भोज को हरा दिया। यानी कि जो पहले कंट्रोल था कन्नौज पे किसका? प्रतिहारास का। अब कंट्रोल किसने गेन कर लिया? यानी कि राष्ट्रकूतास लोगों ने कंट्रोल गेन कर लिया कन्नौज पे। इतनी स्टोरी आप समझ रहे हैं, अभी पालास भी आएंगे स्टोरी में, ठीक है। सो आपने देखा अभी तक राष्ट्रकूतास, प्रतिहारास और पालास कैसे आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, किसको लेकर? एक सेंट्रल पोजीशन को लेकर, जिसका नाम है कन्नौज, ठीक है। तो अब मैं आपको अगर बताऊं, मैं पालास के बारे में पहले कंप्लीट कर दूं, है ना। इन लोगों ने ज्यादा रूल तो नहीं किया, 400 सालों तक इन्होंने रूल किया, ठीक है, इनके मुकाबले सिर्फ 400 साल, सिर्फ 400 साल बहुत होते 400 साल यार, हिस्ट्री भी पता नहीं क्या क्या पढ़ाती हमको, है ना, और पता नहीं क्यों हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि रीजन तो मैंने आपको इनका बता ही दिया था ना, बंगाल और बिहार वाला रीजन। अब ये जो पाला डायनेस्टी है, इसका जो प्रथम राजा है उसका नाम है गोपाला, ठीक है, गोपाला नाम है फर्स्ट जो रूलर है पाल डायनेस्टी का। इस गोपाल का एक पुत्र होता है धर्मपाल, नाम भी कैसे कैसे खतरनाक है, ठीक। तो ये चीज आपने जाना दो रूलर्स के बारे में, पालास के दो रूलर गोपाल और धर्मपाल। प्रतिहारा में मैंने आपको एक रूलर बताया था राजा भोज, ठीक है। सो एक अरब मर्चेंट है सुलेमान, ये बताते हैं कि जो राजा भोज है ना, इनको काफी पावरफुल किंग बताया है इन्होंने, सुलेमान ने, कि ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग। और इनको जो है ये बिलीव किया जाता था कि जो आज हमारा गुजरात वाला रीजन है ना, वहां पर रूल करते थे ये राजा भोज। और इस पर्टिकुलर गुजरात वाले रीजन का नाम दिया इन्होंने जज्र, JUZR, ठीक है। गुजरात को जज्र बोला है किसने? सुलेमान ने। सुलेमान एक हिस्टोरियन है और साथ में एक अरब व्यापारी भी है,
इन्होंने मेंशन किया है कि जजरे, जजरे एक अरेबिक नेम है जो कि गुजरात वाले रीजन को कहा गया और इसके जो रूलर हुआ हुए करते थे वो पॉसिबली है कि वो जो है राजा भोज ही थे। ठीक है, यानी कि कभी ऐसा रहा होगा कि गुजरात वाले रीजन में राजा भोज का राज हुआ करता होगा और इनके आसपास कोई इनका दोस्त भी होगा गंगू तेली करके, तो ये गाना बन गया कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और ये राजा भोज जो है वैष्णविज्म धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ये जो भगवान विष्णु है उन पे ज्यादा विश्वास रखते थे, उन पे ज्यादा आस्था रखते थे, उनको मानते थे, उनको पूजते थे। एक होता है वैष्णविज्म, दूसरा होता है शैविज्म, यानी कि जो शिव भगवान को आराध्य देव मानते हैं उनको शैविज्म बोला जाता है, और जो विष्णु भगवान को पूजते हैं उनको मानते हैं ज्यादा, उनके भक्त हैं उनको बोलते हैं वैष्णविज्म। आई होप कि इतना अंतर तो आप समझते होंगे ही, है ना। और राष्ट्रकूटा में मैंने आपको राजा बताया था अमोघवर्ष, और एक बताया था क्या ध्रुव। तो अब जो मैंने सिटी आपको बताई थी कन्नौज, है ना, उस कन्नौज को लेके राष्ट्रकूटा का जो राजा होता है ध्रुव और जो प्रतिहारा के जो राजा होते हैं भोज, इन दोनों के बीच में हो जाता है युद्ध। और इस कॉन्फ्लिक्ट में राजा भोज हार जाते हैं, ध्रुव जो है जीत जाता है, यानी कि राष्ट्रकूटा जो है पावरफुल हो जाते हैं। और ये जो है तीनों डायनेस्टी में से सबसे ताकतवर हो जाते हैं एक टाइम पे। तो कि ये जैसे राष्ट्रकूटास ने प्रतिहारास के भोज को हराया, तो वैसे ही ऑन द सेम टाइम राष्ट्रकूटास ने जो है पाला का जो मैंने आपको ये रूलर बताया था धर्मपाल, ठीक है, तो इनके बीच में भी कंफ्लिक्ट होता है किसको लेके, कन्नौज को लेके। तो ये जो है धर्मपाल को भी हरा देते हैं राष्ट्रकूटास। फिर बाद में क्या होता है, जो धर्मपाल होता है ये अपनी आर्मी को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, ये बोलता है बहुत हो गया, अब हम जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नो इफ नो बट सीधा गोली मार देंगे। तो ये अपने आसपास के जितने भी, और जैसे मैंने आपको बताया बंगाल और बिहार, इनके आसपास छोटे छोटे राजा रजवाड़ी लोग और हुआ करते थे, तो इनको जो है अलायंस बना लिया इसके संग, अपना गुट बना लिया और अपनी आर्मी जो है स्ट्रांग बना ली, बड़ी आर्मी इसने क्रिएट कर दी धर्मपाल ने। उसके बाद फिर इसने इसे क्या किया कि इसको तो जो है हरा दिया था राष्ट्रकूटा वालों ने, है ना, फिर जैसे इसने एक लार्ज आर्मी गेन कर दी इसने दोबारा से अटैक किया कन्नौज पर, और फिर ये ज्यादा रूल नहीं कर पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 400 साल इन्होंने रूल किया। फिर बाद में जो है जो राजा भोज थे इन्होंने दोबारा से कन्नौज पर जो है अपना गेन कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये जो ट्राइपार्टाइट संघर्ष चल रहा है इन तीनों के बीच में चल रहा है। आपको जो है राजाओं के नाम याद रखने, कौन सा राजा कौन सी डायनेस्टी का था, आपको जो है सारी की सारी कहानी समझ में आने लगेगी। मैं आशा करके चलता हूँ कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि धर्मपाल ने एक स्ट्रांग आर्मी क्रिएट की, फिर वापस से कन्नौज में जो है अपना कंट्रोल करने की नाकाम कोशिशें की, मतलब बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी जो है राजा भोज जो थे ये यहाँ पे उभर के आए एकदम से। इन्होंने क्योंकि ये इनके पास का ही एरिया था, इन्होंने कन्नौज पे कंट्रोल गेन किया और फिर बाद में इनको जो है किसने हरा दिया, राष्ट्रकूटा का जो रूलर था ध्रुव, इसने जो है हरा दिया भोजा को। ठीक है, तो ये सिनेरियो था, कुछ ऐसा सीन था, ऐसा चल रहा था नॉर्दर्न इंडिया में कन्नौज को लेकर। तो ओवरऑल हमने देखा कि सभी जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा हमने देखा कि जो राजा भोज है ये ज्यादा इनके बारे में बड़ा चढ़ा के बोला गया है इतिहास में। अब ये राजा ही है तो इन्होंने अपने सिक्के भी चलाए थे, उस सिक्कों में इनकार्नेशन था, भगवान विष्णु के अवतार बने हुए थे उसमें। ठीक है, तो कुछ टाइम रूल करने के बाद 101 साल में तीनों जो डायनेस्टी है वो बिखरने लगी, यानी कि जो है अब फेस शुरू हो गया है डिक्लाइन का, यानी कि 100 साल के अंदर अंदर इन तीनों का पतन होने लगा। ठीक है, गायब होने, विलुप्त होने लग गई। तो जो ये पालास लोग थे, है ना,
इनको तो जो है डराया धमकाया किसने, चोलास लोगों ने, साउथ इंडिया में जो फेमस है चोलास, राजा राजा चोला नाम सुना होगा आपने, है ना। तो इन्होंने जो है पालास को थ्रेटन करके, डरा के, धमका के इनको कमजोर बना दिया, और फिर बाद में पाला डायनेस्टी, जहाँ पे पाला लोग रूल करते थे उनकी जगह जो है सेन डायनेस्टी आ गई। ठीक है, तो आपको ये नोट करना है कि पाल डायनेस्टी को किसने जो है वो किया, चेंज किया, सेन डायनेस्टी आई पालास की जगह। और जो प्रतिहारा था ना, ये जहाँ पे राजा भोज जिसके राजा थे, तो ये भी जो है छोटे छोटे, जैसे ये बड़ा सा प्रतिहारा है तो ये छोटे छोटे राज्यों में बिखरने लगा। इन्हीं में से उभर के आए राजपूत। ठीक है, राजपूत भी पढ़ते ना, अगली वीडियो लेक्चर में वही बुक पढ़ने वाले हैं। तो राजपूत इन्हीं प्रतिहारा में से उभर के आए, और बेसिकली ये जो राजपूत थे, बेसिकली इनको हम चार में देखेंगे अगली वीडियो में, मेन जो डिवीजन। पहला तो प्रतिहारा ही हो गया, ठीक है, जिससे टूट के बने, और फिर चौहान, पृथ्वीराज चौहान आपने नाम सुना होगा, अभी आएंगे आगे वाली स्टोरी में। फिर जो है चालुक्यास भी सुना होगा आपने, और फिर परमाराज, ऐसे ऐसे नाम है, पवार भी बोलते हैं, पवार वंश है ना। चालुक्यास को सोलंकीज भी बोला जाता है कहीं पे। तो ऐसे करके अगर आपको अच्छे से ये सब अच्छे से आपको मालूम है, पूरी स्टोरी मालूम है, तो आप पूरा जो है पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से आप कवर करने वाले हैं, मेरा विश्वास कीजिए। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, काफी इन्फॉर्मेशनल वीडियो होती है सारी वीडियो, तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।